ऐसा कोई ब्राह्मण जो अपने जीवन में दूसरों का भला ही भला करता है, सत्कर्म करता है, सही मार्ग पर चलता है और दूसरे लोगों को भी एक सही रास्ता दिखाता है, ऐसा जो ब्राह्मण है, वो ब्राह्मण जब देह त्यागता है तो देह त्यागने के बाद उसके लिए एक पद होता है। ये पद हैं, ब्रह्म राक्षस जिस तरीके से एक पद है इसको पद बोल सकते हैं, उसी तरीके से ब्रह्मदेव भी एक पद है। जय श्री महाकाल। ब्रह्मदेव, ब्रह्मदेव के विषय में काफी सारे लोगों ने बोला हुआ है, तो आज ब्रह्मदेव के विषय में बता देते कि आखिर ब्रह्मदेव कौन। पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को ब्रह्म राक्षस के विषय में बताया कि आखिर ब्रह्म राक्षस कौन बनता है, तो आज आपको बता देते हैं ब्रह्मदेव के विषय में। ब्रह्मदेव कौन बनता है ये बता देते हैं। ध्वज कुल में पैदा हुआ व्यक्ति यानी जीवात्मा, ध्वज कुल में कोई जीवात्मा पैदा होती है, यज्ञोपवीत हो जाने के बाद जो भी कर्मकांड है वो सारा सीखती है, तंत्र मंत्र जो विद्या है, जो सही विद्या है सही मायने में, उसको सीखती है। दुर्गा सप्तशती का पाठ करने वाला, गीता का पाठ करने वाला, रामचरितमानस का पाठ करने वाला, दुर्गा सप्तशती के गुण प्रयोगों को जानने वाला और जो अदृश्य शक्तियां हैं उनको नियंत्रित करने वाला, पूर्ण तरीके से सात्विक चरित्रवान, अपने चरित्र से ना गिनने वाला, दूसरों का भला करने वाला, परमात्मा को मानने वाला और पूर्ण तरीके से सात्विक और ब्रह्म तत्व को अपने अंदर जागृत करने वाला। ब्रह्म तत्व को जागृत करने का अर्थ ये है यानी कि पूर्ण निराकार में अपनी आस्था रखना और लगातार एक भक्ति मार्ग पर चलते जाना। ऐसा कोई ब्राह्मण जो अपने जीवन में दूसरों का भला ही भला करता है, सत्कर्म करता है, सही मार्ग पर चलता है और दूसरे लोगों को भी एक सही रास्ता दिखाता है, ऐसा जो ब्राह्मण है, वो ब्राह्मण जब देह त्यागता है तो देह त्यागने के बाद उसके लिए एक पद होता है। ये पद हैं, ब्रह्म राक्षस जिस तरीके से एक पद है इसको पद बोल सकते हैं, उसी तरीके से ब्रह्मदेव भी एक पद है। जो ये ब्रह्मदेव पद है, इस ब्रह्मदेव पद पे उसको जाना है जीवात्मा को या नहीं जाना है ये जीवात्मा निर्धारित करेगी। ब्रह्म राक्षस तो बनना ही बनना पड़ता है, ब्रह्म राक्षस एक श्राप जैसा हो गया, जैसा मैंने पहले भी बताया था कि कौन ब्रह्म राक्षस बनते हैं, लेकिन ब्रह्मदेव बनना एक तरीके से वरदान है। यानी कि जब वो जीवात्मा शरीर छोड़ती है तो उसको एक तत्व दिया जाता है, एक देव तत्व, वो चाहे तो उस देव तत्व को धारण कर सकती है। जैसे पीर होते हैं उसी तरीके से ब्रह्मदेव होते हैं, देव श्रेणी में आ जाते हैं ये, जैसे पितृ होते हैं उसी तरीके से ये देव होते हैं। जिस तरीके से स्थानीय देव, क्षेत्रपाल और भी तरह तरह के जो देव श्रेणी में आते हैं कुल देव, उसी तरीके से ये ब्रह्मदेव होते हैं। इनका निवास स्थान भी पीपल पे बताया जाता है, ये ज़्यादातर लोगों का भला करते हैं और ज़्यादातर कई सारे ग्रामीण क्षेत्रों में तो इनकी चौकियाँ भी लगती हैं। चौकी लगने का मतलब ये होता है यानी कि दरबार लगता है। जो पूर्ण तरीके से सात्विक होता है, पूर्ण तरीके से सही कार्यों को करने वाला व्यक्ति होता है, उस व्यक्ति को अपना घोलना बनाते हैं ब्रह्मदेव। घोलना का अर्थ क्या है? घोलना जो ये शब्द है, ये शब्द बुंदेलखंडी है। घोलना का अर्थ है सवारी आना, यानी उस व्यक्ति के ऊपर ब्रह्मदेव की सवारी आने लगती है, और यदि सवारी नहीं आती है तो स्वप्न के माध्यम से उसके जीवन में आने लगती है। और इस तरीके से जो अन्य लोग हैं जिनको जीवन में समस्याएं हैं उनकी समस्याओं को काटने लगते हैं, उनकी जो जीवन में दुख हैं उन दुखों को समाधान करने लगते हैं। जैसे पीर कार्य करते हैं उसी तरीके से ब्रह्मदेव कार्य करते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि ब्रह्मदेव किसी भी शरीर को अपने नियंत्रण में लेते हैं, यानी पूरी तरीके से शरीर में प्रवेश नहीं करते हैं, लेकिन उस शरीर पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लेते हैं, उस शरीर के मस्तिष्क को अपने नियंत्रण में कर लेते हैं। और जब वो नियंत्रण में कर लेते हैं तो वो व्यक्ति बिल्कुल ऐसे स्थिति में चला जाता है जैसे एक नशे वाली स्थिति, और उसके बाद जो भी व्यक्ति हैं जिसको जो समस्या है वो सामने आते जाएंगे, बोलेंगे महाराज हमें ये समस्या है, तो वो अपने आप से बोलते चले जाएंगे ये करो उपाय, ऐसे ऐसे होगा, तुमने ये कर दिया था तो इस वजह से ये समस्या है, ऐसे ऐसे है, ऐसे आते हैं। और जब उस समय उस व्यक्ति के शरीर पर ब्रह्मदेव की छाया आती है तब उस शरीर को बड़ी वेदना होती है, बड़ी तकलीफ होती है, तो इस तरीके की स्थिति होती है। ऐसा ही मैं एक किस्सा बता देता हूँ रूपा धमना का, कि एक छोटी सी बच्ची थी 12-13 साल की, तो उसके ऊपर ब्रह्मदेव आने लगे थे यानी ब्रह्मदेव की छाया आ चुकी थी,
तो वो फरियादें काटती थी, छोटी सी बच्ची का दरबार लगने लगा था। और ऐसा नहीं था कि झूठ था, क्योंकि ज़्यादातर वो सही चीज़ें बताती थी। तो उसमें आने लगी और बस बिल्कुल स्थिति बदलनी शुरू हो गई। घर वाले बहुत परेशान हो गए कि आखिर क्या किया जाए, कैसे बचाया जाए बच्ची को, क्योंकि इससे वो तो आने लगे थे, लेकिन बच्ची के अंदर जो ब्रह्मदेव आ रहे हैं, अब ब्रह्मदेव तो लोगों का भला कर रहे हैं, लेकिन उस भले करने में उस बच्ची की ज़िंदगी बर्बाद हो रही थी। अब उस बच्ची की ज़िंदगी क्या बर्बाद हो रही थी कि अगर ये आगे चल के बात सुन फैल जाती या फैलती चली जाती कि फलां लड़की के शरीर पर ब्रह्मदेव आते हैं, तो कल को जब उसकी शादी होती तब हो सकता था कि ये स्थिति फंस जाती कि कोई शादी न करता। या सोचते लोग कि एक परालौकिक समस्या सी जुड़ी हुई है इसके जीवन में, ना जाने कब ब्रह्मदेव आ जाए। तो खूब दरबार भरा, लोगों की समस्याएं निपटाई उन्होंने जिस बच्ची के अंदर आती थी। अब लेकिन बच्ची के परिवार वाले लोग परेशान हो चुके थे, और बच्ची पे ऐसा नहीं अचानक से ही कृपा आ गई। गांव में अक्सर वो मड़िया बना देते हैं, छोटे छोटे चबूतरे बना देते हैं ब्रह्मदेव के नाम से, गौड़ बाबा के नाम से। तो इसी तरीके से एक ब्रह्मदेव के चबूतरा के आसपास से वो बच्ची गुजरी, और ब्रह्मदेव को लगा कि एक पवित्र शरीर है और पवित्र आत्मा इस शरीर में रहती है। उन्होंने उस शरीर को अपना सवारी बना ली। हालांकि शरीर को कोई और नुकसान नहीं, लेकिन एक ये घर वालों को एक ये डर सताने लगा कि पता नहीं कल को हमारी बच्ची की शादी होगी या नहीं होगी। तो उसके बाद ये था कि घर वालों ने उस बच्ची को नॉनवेज वगैरह खिलाना शुरू कर दिया। फिर ब्रह्मदेव ने उस शरीर को छोड़ दिया। छोड़ने के बाद फिर कभी उस बच्ची के अंदर ब्रह्मदेव नहीं आए, ना ही फिर कभी सवारी आई। लेकिन इस दरमियान ये हुआ था कि ब्रह्मदेव के प्रकोप का सामना उस परिवार को करना पड़ा, और कुछ एक दो सालों तक उस परिवार में अनिष्टता की स्थिति बनती रही, काफ़ी परेशान रहे वो लोग। तो इस तरीके से ये शक्तियाँ हैं, इस तरीके से इनका सारा सिस्टम होता है, और ये एक तरीके से पूर्ण पवित्र शक्ति है, पूर्ण पवित्र शक्ति हैं, और इन्हें बिल्कुल भी गंदगी पसंद नहीं है, बिल्कुल साफ स्वच्छ शक्ति हैं, यानी ब्रह्मदेव, इन देवों की श्रेणी में आने वाली शक्ति, जिन्हें सारी की सारी विद्याओं का ज्ञान और जो सिद्धि इन्होंने अपने जीवन में की हुई होती है, इनकी जो आत्मा जो ब्रह्मदेव की श्रेणी में चली जाती है, उसके पास ये सारी की सारी सिद्धियाँ होती हैं। वो क्योंकि ये सारी की सारी जो सिद्धियाँ करते हैं वो दिव्य मार्ग की सिद्धियाँ करते हैं, और दिव्य मार्ग में यही होता है कि वो सिद्धियाँ उस व्यक्ति से जुड़ी रहती हैं, लेकिन उनका कुछ ऐसा नहीं है कि मुक्त ना होने दें उस व्यक्ति को। तो इस तरीके से ब्रह्मदेव हैं, कई सारे लोगों के कुलदेव भी ब्रह्मदेव हैं। तो ब्रह्मदेव का यही है कि उनको जिनके घर में ब्रह्मदेव स्थापित होते हैं, तो जब भी कोई त्यौहार आता है तो उनको मनाने जाना पड़ता है, या उनके वहाँ पर अगरबत्ती लगाने जानी पड़ती है, नारियल चढ़ाने जाना पड़ता है, और पेड़ा जो कि एक मिठाई है उसको भी लोग चढ़ाते हैं। तो इस तरीके से उनकी कृपा मिलती रहती है। और एक और चीज़ है कि ये नाराज़ भी बड़ी जल्दी हो जाते हैं। यदि आपने इनको स्थापित कर रखा है घर में किसी ब्रह्मदेव को, और फिर आप उसको नहीं मनाते हैं, या विशेष अवसरों पे आप उनके जहाँ पे उन्हें स्थापित करते हैं वहाँ पे यदि आप नहीं जाते हैं, तो फिर ये नाराज़ हो जाते हैं। तो इस चीज़ को भी विशेष कर देखना होता है। इनका कार्य भी बिल्कुल पीरों के तरीके से हैं, जैसे पीर होते हैं, उनसे कोई मन्नत मांगो वो पूरी हो जाती है, किसी पे शैतानी रूह है उसको हटा देते हैं, तो उसी तरीके से ब्रह्मदेव के माध्यम से भी ये कार्य किया जा सकता है। और ये पूर्ण तरीके से सात्विक शक्ति हैं और अपने आप में बहुत ही ज़बरदस्त हैं। इनकी जिसको कृपा मिल जाए तो वो भी अपने आप से बहुत कुछ उसके जीवन में बदलने लगता है। ब्रह्मदेव कोई ये नहीं है कि कोई देवता है, वो एक आत्मा ही है, लेकिन एक निश्चित समय तक जब तक वो रहना चाहते हैं ब्रह्मदेव की श्रेणी में तब तक वो रहते हैं, और जब वो चाहते हैं कि वो कहीं पैदा हो जाएं तो वो उस श्रेणी को छोड़ के, यानी उस ब्रह्मदेव तत्व को छोड़ के पुनः पैदा हो जाते हैं कहीं जहाँ पे भी उन्हें पैदा हो। इसी तरीके से पीरों के ऊपर भी निर्भर करता है, ये उनके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन इस्लाम ये कहता है कि इस्लाम में पुनर्जन्म नहीं होता है। तो इसका कभी फ़िलहाल दोबारा जवाब दे दूँगा कि इसका सही जवाब क्या है या वास्तविकता क्या है। लेकिन इस तरीके से जो सारी की सारी शक्तियां हैं, इनकी विषय में आप जब जान जाते हैं तो इनसे आप सही तरीके से कार्य लेना भी सीख जाते हैं। और यदि आपने अपने घर में इनको स्थापित कर रखा है, या कहीं पे इनका चबूतरा बना रखा है ब्रह्मदेव के नाम से, कोई मड़िया बना रखी है, और आप अगर लंबे समय से वहाँ नहीं गए, 3-4 साल हो गए, और आपके जीवन में दुख प्रकट हो रहे हैं, तो समझ जाइए कहीं ना कहीं उनका विशेष योगदान होगा। क्योंकि आपने किसी को अतिथि को बुला तो लिया अपने पास, लेकिन आप उसका आदर सत्कार नहीं कर पा रहे हैं। जब आदर सत्कार नहीं कर पाएंगे तो फिर वो रुष्ट हो जाएगा। क्योंकि कोई भी शक्ति हो, चाहे आपकी खुद की शक्तियाँ ही क्यों ना हो, यदि आपने किसी शक्ति को सिद्ध करके रखा हुआ है और उस शक्ति का आप कभी भी प्रयोग नहीं करते हैं, ना ही कभी आप उसको याद करते हैं, ना ही कभी आप उसको धूप दीप देते हैं, तो आपकी ही शक्ति आपके लिए अभिशाप बन जाएगी, यानी आपका ही अनिष्ट कर सकती है वो शक्ति। क्यों कर सकती है?
इसलिए कर सकती क्योंकि सब कोई नाराज हो जाता है। जब हमारे परिवार का सदस्य कोई नाराज हो सकता है तो उसी तरीके से शक्तियाँ भी नाराज हो जाती हैं क्योंकि आपने उनको बुलाया हुआ है और आप उन्हें कभी याद नहीं करते। आशा करता हूँ ये वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो शेयर जरूर कीजिएगा। जय श्री महा।